Hello students, today's topic is gross national product versus gross domestic product. Gross national product is the market value of final goods and services newly produced by domestic factors of production during the current period, whereas ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द प्रोडक्शन टेकिंग प्लेस विद इन अ कंट्री तो बस ये दो बातें आपको याद रखनी है जी डी पी की भी कम्पलीट डेफिनेशन सेम है इट इज ऑल्सो मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस न्यूली प्रोड्यूस इट इज जस्ट दैट इट इज द प्रोडक्शन टेकिंग प्लेस विद इन अ कंट्री एंड वेन वी टॉक अबाउट ग्रॉस नेचरल प्रोडक्ट इट इज अ प्रोडक्शन बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डोमेस्टिक फैक्टर्स आर बींग यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन Let's understand these concepts. When US capital and labor, in our case, US is a home country or I can say domestic country. Domestic country. Okay. So when US capital and labor, also called factors of production, are used abroad. दे प्रोड्यूस आउटपुट एंड अर्न इनकम ओके जब यूएस का कैपिटल या लेबर जिसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं जब उन्हें फॉरन कंट्री में यूज किया जाता है तो वो कुछ आउटपुट जनरेट करते हैं आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं एंड दे अर्न इनकम दिस आउटपुट एंड इनकम आर इंक्लूडेड इन यूएस जी एन पी बट नॉट इन यूएस जीडीपी यूएस जी डी पी में इंक्लूड क्यों नहीं होते बिकॉज डोंट रिप्रजेंट प्रोडक्शन टेकिंग प्लेस विद इन द यूनाइटेड स्टेट बात तो सही है यूएस के जो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये यूज हुए अब्रॉड किसी फॉरन कंट्री में यूज हुए वहां पर आउटपुट प्रोड्यूज हुआ तो उस फॉरन कंट्री के जीडीपी में इंक्लूड होगा ना ठीक है क्योंकि प्रोडक्शन हुआ कहां पर इन द फॉरन कंट्री एंड दैट इज अ रीजन इट विल बी इंक्लूडेड इन फॉरन कंट्रीज जी डी पी बट बिकॉज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑफ यूएस बिकॉज यूएस के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहां पर यूज हुए हैं एंड दैट इज अ रीजन दे आर इंक्लूडेड इन यूएस जी एन पी लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ रोड्स बिल्ट बाय अ यूएस कंस्ट्रक्शन कंपनी इन सऊदी अरेबिया

जी डी पी ओके एंड द वैल्यू ऑफ रोड बिल्ट बाय अ यूएस कंस्ट्रक्शन कंपनी किसके फैक्टर्स यहां पर यूज हुए हैं यूएस के फैक्टर्स यूज हुए हैं एंड दैट इज अ रीजन इट विल बी काउंटेड इन यूएस जी एन बी सिंपल ओके सिमिलरली वेन फॉरन कैपिटल और लेबर इज यूज इन द यूनाइटेड स्टेट्स तो इसी तरीके से अगर किसी फॉरन कंट्री के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में यूज होते हैं इन दैट केस द आउटपुट प्रोड्यूस्ड एंड द इनकम अर्ड आर अ पार्ट ऑफ यू एस जी डी पी क्योंकि वो प्रोडक्शन या वो सर्विस एक्चुअल में कहाँ पर जनरेट हुई है यूएस में जनरेट हुई है तो इसलिए वो यूएस के जी डी पी में इंक्लूड होगा

फॉर एग्जाम्पल द पोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ जैपनीज कार्स बिल्ट इन दूनाइटेड स्टेट बिल्ट इन दूनाइटेड स्टेट तो ये पोर्शन है बिल्ट हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स में बिल्ट हुआ है दैट इज रीजन इट विल बी ए पार्ट ऑफ यूएस जी डी पी क्योंकि प्रोडक्शन कहां पर हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू जैपनीज कैपिटल और यहां पर ये जो जैपनीज कार्स की जो प्रोडक्शन हुई है इसमें किसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे हैं जैपनीज कैपिटल का इस्तेमाल हुआ है राइट सो इट विल बी काउंटेड इन जैपनीज जीएनपी और वी कैन से जापान जीएनपी क्लियर बिकॉज यहां पे जो है वो जापान के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल हुआ है रीजन इट विल बी काउंटेड इन जापान जीएनपी क्लियर वी डिफाइन नेट फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड और इन शॉर्ट फॉर्म आई कैन राइट इट एज एन एफ पी टू बी इनकम पेड तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं यहां पर एन एफ पी इज इक्वल टू टू बी इनकम पेड टू डोमेस्टिक इन आर केस डोमेस्टिक इज यूएस इनकम पेड टू डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब जब यूएस के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया गया और फिर उनको कुछ इनकम मिली है बाय द फॉरिन कंट्री बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सो वी नो दैट इट इज अ पार्ट ऑफ जी एन पी राइट जब यूएस के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल होगा इट विल बी काउंटेड इन यूएस जी एन पी माइनस माइनस इनकम पे टू डोम इनकम पेड टू फॉरन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय द डोमेस्टिक इकॉनमी अब हम फॉरन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कब पेमेंट करेंगे उन्होंने हमारी कंट्री में यूएस में इन द यू एस इकॉनमी उन्होंने यू एस में कोई प्रोडक्शन या कोई सर्विस प्रोवाइड की है एंड दैट इज अ रीजन वी आर पेइंग दैम इनकम ओके कुछ फॉरन फैक्टर्स का इस्तेमाल हुआ यूएस में और इसलिए हमने उनको इनकम पे की है अब क्योंकि उन्होंने जो प्रोडक्शन की है वो 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 कहां पर करी डोमेस्टिक इकॉनमी में यूएस इकोनॉमी में सो इट विल बी इट विल बी अ पार्ट ऑफ यूएस जीडीपी इट विल बी अ पार्ट ऑफ यूएस जीडीपी तो ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया है इट इज फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ओके यूनाइटेड स्टेट्स का जब मैं कह रहा हूं नेट फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड तो वो क्या है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में वी आर रिसीविंग, वी आर रिसीविंग द इनकम बिकॉज यूएस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज इन अ फॉरिन कंट्री इन केस ऑफ जी डी पी वी आर पेइंग द इनकम टू फॉरन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज फॉरन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव यूनाइटेड स्टेट ओके सो अल्टीमेटली जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा वी विल गेट द नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड क्लियर थैंक यू